अब बच्चे यहाँ पे एक बात को ध्यान दो। जैसे ना इसको देखो, मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा है k इंटू ए का मॉड, ठीक है ना। इसको मैं आगे डिटरमिनेंट में प्रूफ करूंगा, समझाऊंगा। अभी फॉर टाइम बिंग आप इसको ध्यान में रखो। अगर एक ऑर्डर n है, एक ऑर्डर जो है ना, ये तो स्केलर हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अगर एक ऑर्डर n है तो ये जो k है ना, बाहर कैसे आता है? अपने पे ए का ऑर्डर लेके, पावर के टू दी पावर एन इन टू मॉड ए हो गई। ये ऐसे होता है। अगर के का ए का ऑर्डर टू है तो ये जो स्केलर को अगर तुम डिटरमिनेंट से बाहर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर इन टू डिटरमिनेंट ए। इसको मैं प्रूफ करूंगा, बट फॉर टाइम बिंग आप अभी याद रखो, ठीक है। डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम प्रूफ करेंगे। अब तुम बताओ ये आई का ऑर्डर क्या है? टू। इस सेवन को मैं बाहर करूंगा तो ये हो जाएगा सेवन स्क्वायर इन टू मॉड आई। अब इसमें मैंने क्या किया कि ए कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहां क्या बचेगा? फोर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। तो ये जो मैंने लिखा ना, ये गलत लिखा, ठीक है। बिकॉज मैंने क्या किया, फोर एक नंबर है, उसको मैंने एक मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट किया, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहां क्या लिखना होगा? फोर आई माइनस ए स्क्वायर। अब जाके ये करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद देखो कि सेवन का स्क्वायर क्या होगा? 49। और दुनिया के किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी किसी भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर तुम डिटरमिनेंट लोगे तो वन के इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? देखो ये ए मैट्रिक्स लिखा है, इस मैट्रिक्स को तुम बी के तरह ट्रीट करो। तो यहां पे क्या लिखा है? ए इंटू बी का डिटरमिनेंट, वो किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। तो ये हो जाएगा फोर आई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा तुम ध्यान से देखो, हमें फाइनली क्या मिला? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू फोर आई माइनस ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 49। अब ये बताओ कि ये क्या हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए? एक रियल नंबर है। ये क्या हमारे पास? ये भी एक रियल नंबर है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, 49 के इक्वल आ जाए, तो क्या वो दोनों रियल नंबर जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। बिकॉज कोई भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो दोनों रियल नंबर भी जीरो नहीं है। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड और नहीं, एंड डिटरमिनेंट ऑफ फोर आई माइनस ए स्क्वायर ये भी नॉट इक्वल टू जीरो मिला। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। तो यहां से हमें क्या पता चला? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हमें मिल गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। यह प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना, ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये प्रूफ करो। तो हो गया हमारा प्रूफ। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, अभी तो इनवर्स मैंने बताया नहीं है तुम लोगों को, इनवर्स हम आगे सीखेंगे। तो हमें तो ये अभी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ए जो है हमारा एक नॉन इन्वर्टेबल, सॉरी एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया कि हमें यह दिखाना है कि ए जो है हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने प्रूफ कर दिया। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि उसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। क्या बोला है? फाइंड ए टू द पावर फाइव, ठीक है। अब ए टू द पावर फाइव, इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड है, देख लो। मेथड वन, मेथड वन में क्या है कि हमारे पास क्या गिवन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? ए स्क्वायर माइनस फोर ए एंड प्लस ऑफ सेवन आई, ये एक नल मैट्रिक्स है। ये अभी हमने प्रूफ भी किया है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए माइनस सेवन आई। अब हमने क्या किया कि दोनों साइड हमने ए क्यूब मैट्रिक्स से या तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया या तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक बात, अगर यहां पे ना मैं ए क्यूब से
एक साइड प्री मल्टीप्लाई कर दूं और एक साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पे ए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वॉल्व है तो करेक्ट हो जाएगा। यहां मैं अगर ऐसे लिख दूं कि ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, यहां तो ए क्यूब प्री मल्टीप्लाई कर दिया और यहां मैंने लिख लिया 4a-7i इंटू ए क्यूब, यहां ए क्यूब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज यहां पे हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक ए मैट्रिक्स है। तो अगर तुम 4a इंटू ए क्यूब करोगे तो a^4 आ जाएगा, और -7i इंटू ए क्यूब करोगे तो हमें पता है ना i इंटू ए क्यूब, i इंटू ए क्यूब लिखूं या ए क्यूब इंटू आई लिखूं, ये तो इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर यहां पे i की जगह एक दूसरा मैट्रिक्स b होता तो प्रॉब्लम क्या हो जाती कि अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता, बात को सुनो ध्यान से, यहां पे तो मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता तो हमारे पास मान लो कि ये ऐसे होता, सपोज डेट ऐसे होता 4a-7i इंटू बी क्यूब, अगर मैंने ए क्यूब सॉरी एक के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू क्या होता 4a इंटू ए क्यूब, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए इंटू ए क्यूब लिखो या ए क्यूब इंटू ए लिखो, a^4 ही आएगा, और यहां पे क्या हो गया -7i इंटू ए क्यूब, तो यहां से हमें क्या मिल गया 4a इंटू ए क्यूब -7a³, तो ये हो जाएगा 4a^4, हो जाएगा 4a^4 -7a³ अगर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया होता तो। अब अगर सपोज डेट यहां पे होता 4a-7i, i की जगह एक सॉरी 4a-7b मैट्रिक्स होता, और अगर मैंने यहां पे ए क्यूब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से वैल्यू क्या होता 4a^4 -7b इंटू ए क्यूब, और अगर मैंने ए क्यूब प्री मल्टीप्लाई कर दिया 4a-7b इंटू ए क्यूब, तो इसको हम क्या लिखते 4a^4 -7a³ इंटू बी लिखते। तो यहां देखो ये वाला चीज और ये चीज ये इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है, तो यहां गड़बड़ हो गया ना, प्री मल्टीप्लाई ए क्यूब से किया या हमने पोस्ट मल्टीप्लाई ए क्यूब से किया या प्री मल्टीप्लाई ए क्यूब से किया तो रिजल्ट डिफरेंट हो गया ना।